शशि ललाम सोवे मैया तेरी रही जगा। मैया हो नार बलिवान देश नहीं होली से जाती, मैया हो नार बलिवान देश नहीं होली से जाती। ये प्रमाण मिलता है कि इसी तरह कंस देवकी के 6 बालकों का वध कर देता है। कितने बालकों का? 6 बालकों का। जब 7वां गर्भ देवकी ने धारण किया है तो माया से खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया, ताकि ये चर्चा फैल गई है कि 7वां गर्भ खंडित हो गया है। समय अनुसार देवकी ने जब 8वां गर्भ धारण किया है, कंस को पता चला कि देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया है, तो हाथों में हथकड़ियां डलवा दी, पैरों में बेड़ियां डलवा दी, जेल में ताले डलवा दिए, दूतियां दरवाजे पर बिठा दी और ये घोषणा कर दी कि देवकी को 10 दिन का सड़ा गला भोजन दिया जाए, ताकि मेरा काल कमजोर पैदा हो, पैदा होते ही होते मूली की तरह ऐठ दूंगा, अगर शुद्ध भोजन मिलेगा तो काल बलवान पैदा होगा। 10 दिन का सड़ा गला भोजन मिलता है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। कथा प्रेमी भैया अपना अपना दिमाग लगाना, सभी भक्त कितनी कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तब प्रभु आवाज को सुनते हैं। और आप लोगों पर जरा भी कष्ट आ जाए तो कहते कहीं नहीं भगवान, भगवान कहीं कुछ नहीं, सब बवाल है। आप बाजार से 50 रुपए का घड़ा लेने जाओ, उसे भी तो बार बार ठोकोगे कि देखें ऐसा ना हो कि कहीं सेवरा हो। तो मेरा गोविंद बगैर ठोके कैसे शरण में ले लेगा भाई? ठुकाई तो करनी पड़ेगी, और जब ठुकाई नहीं करेंगे तो टेढ़े मेढ़े घड़े का क्या होगा? हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, 10 दिन का सड़ा गला भोजन मिलता है। आज देवकी रोने लगी, अये सच्चिदानंदो, अये सच्चिदानंदो, अब भैया का अत्याचार हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब अपनी आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन अब ये हम पे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज देवकी फपक फपक रोने लगी, क्या करूं, कहां जाऊं?